नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संत कबीर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद के नामांकन के लिस्ट में 74वें स्थान पर है। दरअसल सीएम का आदेश था कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% बच्चों का नामांकन होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से अभिभावक कतरा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर तक अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। तो ये वो लिस्ट है जिसमें संत कबीर का जो नाम है वो 74वें नंबर पर आया है। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से जो अभिभावक हैं वो डरते हैं। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो भी अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं। तो संत कबीर नगर का एक पूरा मामला है। संत कबीर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद के नामांकन की लिस्ट में संत कबीर नगर 74वें स्थान पर है। दरअसल सीएम का आदेश था कि लक्ष्य के सापेक्ष 100% बच्चों का नामांकन यहाँ होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से अभिभावक पूरी तरह से कतरा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर तक अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में करा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी हेमंत मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, ये जो पूरी लिस्ट सामने आई है इसमें 74वां नंबर है संत कबीर नगर का। लक्ष्य योगी आदित्यनाथ का कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? काजोल, आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग है उसका ये मानना है कि जो प्राइमरी उनमें बच्चों की तादाद बढ़ाई जाए और अध्यापकों से जोर से जोर जाकर जो है शिक्षक जो है अपने बच्चों को अधिक से अधिक सरकारी स्कूल में भेजने जो है कवायद करें और स्कूल की तरफ बच्चों का जो है रुझान बढ़ सके। लेकिन ये शासनादेश था पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यूपी के 75 जिलों के लिए, जिसमें जो है सबसे जो है आगे जो है बनारस का जो है प्रधानमंत्री का जो जिला है वो सबसे ऊपर है और उसमें लगभग 250 जो है बच्चों का नामांकन स्कूल में हुआ है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर की अगर जिले की बात करें तो गोरखपुर 70वें स्थान पर है, उसका भी जो लक्ष्य है वो बहुत पीछे चल रहा है। और महोबा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे जो है शिखर की जो है 77वें स्थान पे है और वही संत कबीर नगर 74वें स्थान पे है। स्कूल में और कुछ स्कूल ऐसे है उत्तर प्रदेश में लगभग कमोवेश हर जिले में की वहाँ पर अभी नामांकन प्रक्रिया शून्य है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और जो शासनादेश जारी हुआ है जल्दी सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो है नामांकन किया जा सके। लेकिन प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्या शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है या फिर जो है सरकार के जो दावे और वादे हैं वो खोखले हैं? अब देखने वाली बड़ी बात हो ये है कि जो सरकारी अध्यापक है वो जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराते हैं और अभिभावकों से गांव गांव जाकर जो स्कूलों का ट्रेन करके सरकारी प्रसिद्ध स्कूल में जो है दाखिला दिलाने की बात करते हैं। तो उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा जब शिक्षक खुद अपने बच्चों का भविष्य जो है प्राइवेट स्कूलों में सवार रहे हैं? तो सरकारी प्रसिद्ध स्कूल में कौन सा ऐसा अध्यापक हो जो भविष्य बात करेगा? तो कुल मिलाकर के सरकार चिंता में है और सरकार के अधिकारी मंथन कर रहे हैं बावजूद इसके जो है सरकारी स्कूलों में जो लक्ष्य है उसके सापेक्ष जो है बच्चों का नामांकन जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है, जिस पर अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ इस पर जोर दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में ठीक है। हेमंत, आप नजर बना के रखिएगा आगे क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की जाती हैं, क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं, उस पर नजर आप बना के रखिएगा। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के जीवीएम मॉल में 18 वर्षीय युवती तीसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल मौरल पुलिस की मदद से युवती को दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं युवती कैसे गिरी है इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मॉल के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
अमेठी के कोतवाली मुसाफिर खाना अंतर्गत ग्राम सभा गजानपुर दुवरिया के गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। किस गांव के हो? दुवरिया। क्या हुआ था सर? दीवार के लिए झगड़ा कर रहे थे, हम अपनी दीवार कर जमीन बराबर उठा लिए, उसके बाद रास्ता हमारी बंद कर रहे थे, न्यू खोज रहे थे, उसे लिए रोका। 112 बुलाया, 112 आई, उसने बोला कि आज ईद है, ईद क्या नाम ईद है, आज के बाद तो आज काम रोक दो। चौबोलीस पुलिस चारधाम यात्रा में सुरक्षित यातायात की तैयारियां लगातार कर रही है। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर कोतवाली चमोली द्वारा टैक्सी यूनियन चमोली के साथ गोष्ठी का आयोजन कर यातायात में सहयोग की अपील की है। मंगलवार को आयोजित गोष्ठी में टैक्सी स्टैंड में वाहनों के लिए अलग अलग स्थानों पर स्पॉट चिन्हित किया गया। यातायात निरीक्षक प्रवीण आलोक और कोतवाली कुलदीप रावत ने सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के साथ ही सुगम संचालन और सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जो चालान के तो एक यातायात सुधारीकरण की व्यवस्था है कि उस दौरान हमें चालान करना पड़ता है, जहाँ तक चालान की बात है 10 से 12 चालान भी तक हुए हैं। लेकिन जहाँ तक चारधाम की बात है तो चारधाम को लेकर हम लोग जनपद चमोली पुलिस या कहेंगे उत्तराखंड पुलिस बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हमने सभी मार्गों पे साइन बोर्ड लगा दिएंगे, चेतावनी बोर्ड हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो वैकल्पिक मार्ग हैं जहाँ चारधाम के मतलब अगर ये माने कि कहीं यातायात बाधित होता है और वैकल्पिक मार्गों का हम प्रयोग करते हैं तो उन मार्गों पे भी हमारे द्वारा चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए, कॉन्वेंस मेरा हमारे द्वारा लगा दिए गए। जहाँ तक आज की बात है तो आज हमारे द्वारा जनपद चमोली में टैक्सी यूनियन के द्वारा हमारे द्वारा मीटिंग की गई और उन स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ तक मतलब यहाँ से कम 10 से 12 लिंक मार्गों के टैक्सियाँ निकलती है जिनके लिए मार्ग निर्धारण हमारे द्वारा किया गया है। चमोली जिले के सैयद रजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में पुलिस के द्वारा की गई लड़की की हत्या के मामले में घटनास्थल और वास्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गांव के दौरे पर आया। यहां पर पार्टी के महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से बातचीत की और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा की है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पार्टी के महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस पहले से भी इस परिवार का उत्पीड़न करती रही है, अब की बार पुलिस की हरकत से एक लड़की की जान चली गई। कांग्रेस पार्टी पीड़ित के हक की लड़ाई में हमेशा साथ खड़ी है, उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर न्याय देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने एक बाकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी स्थिति जो है जो सच्चाई है हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, माता से, उनके परिवार से और एक रिपोर्ट बना करके जो है हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे, हमें निर्देश है जो है कि दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए। अभी हम लोग जो कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है रिपोर्ट बना करके। फर्रुखाबाद में पट्टी की जमीन नापने के नाम पर अवैध वसूली की गई है। अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लेखपाल अपने निजी लड़कों को लगाकर पैमाइश के नाम पर अवैध वसूली करा रहा है। पट्टाधारकों के गांव में पट्टी की जमीन की पैमाइश होनी है। ग्रामीणों ने रुपये के लेन देन का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया है। तहसील कायमगंज क्षेत्र के शाह गंगपुर गाँव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बलेरो और टेम्पो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। 8 लोगों की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फर्रुखाबाद के कायमगंज से पटियाली ये सत्संग में सभी लोग जा रहे थे। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के अशोकपुर हाईवे पर ये भीषण हादसा हो गया।
उधम सिंह नगर की ग्राम सभा आनंद खेड़ा में विधायक शिव अरोरा और ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह ने संयुक्त रूप से जल जीवन मिशन योजना के तहत लग रहे ओवरहेड टैंक का शिलान्यास किया। 4 करोड़ की लागत से बन रही 300 KL का ओवरहेड टैंक और 21 किलोमीटर की पाइपलाइन के जरिए प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाए जाने की योजना है। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर घर नल हर घर जल के तहत ये योजना का शुभारंभ हो रहा है। इसका प्रोसीजर सरकार के निर्देशानुसार हम करेंगे और सबसे पहले तो हर घर जल देना हमें, हर घर नल देना हमें और स्वच्छ जल देना है, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। शासन स्तर से इसका टेंडर कर दिया गया है और उसकी प्रक्रिया, टेंडर की प्रक्रिया जिले से हुई है और जितना भी काम यहाँ पे होगा हम उसकी देख रेख अपने पास रखेंगे और अच्छी गुणवत्ता का काम कराएंगे। मोदी जी का एक मिशन है जल जीवन मिशन और उसके अंतर्गत आनंद खेड़ा पेयजल योजना, उसके अंतर्गत ये एक बहुत बड़ी योजना है। लगभग 4 करोड़ लागत की है। इसमें यहाँ पर वाटर टैंक बनेगा 300 KL कैपेसिटी का। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी करहल चौराहे पर वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। वह इसी बीच मीडिया से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कई बड़े बयान दिए प्रदेश की बिजली समस्या पर उन्होंने कहा। साथ ही साथ आजम खान को लेकर शिवपाल ने कहा कि आजम पर जुल्म हो रहा है, आज की तारीख में सबसे सीनियर विधायक है। अखिलेश को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पूरा प्रदेश और खासकर सभी समाजवादी समझ रहे हैं। अखिलेश के बयान और भाजपा से नजदीकियों पर शिवपाल ने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है मैं समाजवादी हूं, समाजवादी में ही मेरी लगातार राजनीति रही है। अगर ये कहते हैं कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ तो वो मुझे समाजवादी पार्टी से निकाल सकते हैं। देखिए, आजम पर जुल्म हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म और आज की तारीख में सबसे सीनियर विधायक भी हैं, 10 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं। एक बार इतने बड़े सीनियर को इतना बड़ा काम किया था उन्होंने शिक्षा के मामले में, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ये सब तैयार किए थे, तो हम तो गए थे, फिर जाएंगे उनसे मिलने और मैं उनके साथ थे और फिर रहेंगे। मथुरा में रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। लेखपाल ने 2,17,000 मुआवजा दिलाने को लेकर रिश्वत ली। डबल मुआवजा दिलवाने को लेकर टाइम लेखपाल ने किसान से रिश्वत ली है। ये लेखपाल का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले विभस लेखपाल कई किसानों से पैसे ले चुके हैं। अभी तक वीडियो वायरल होने के बाद भी लेखपाल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला लेखपाल सुरेंद्र सिंह ने ओला दृष्टि के बहकाने में लेखपाल रिश्वत लेते हुए नजर आया है, जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बावजूद भी कोई एक्शन लेखपाल पर नहीं लिया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त सुबह 11:15 पर खुल गए थे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी शुभ मुहूर्त पर 12:15 पर खोले गए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने माँ गंगा की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की कुशलता के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। आज से विधिवत रूप से आज से शुभ दिन अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा के तट पर गंगोत्री कपाट आज से प्रारंभ हो गई। आज से यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। ये यात्रा सभी यात्रियों के लिए, सभी पर्यटकों के लिए
सभी श्रद्धालुओं के सुगम हो, सरल हो, सब लोग स्वस्थ आए, स्वस्थ जाएं। और जो हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।